हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द टेक विशाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं? और ये कोई पूछने वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी व्हाट्सअप को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विशाल भाटी। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग व्हाट्सअप को डाउनलोड करेंगे, कैसे उसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम चला सकते हैं, और किस तरीके से जो है हम उसे ऑफिस पर्पस या पर्सनल यूज़ में कैसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, लैपटॉप में व्हाट्सएप चलाने के लिए दो तरीके होते हैं। मैं उन दोनों ही तरीकों के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप लोग web.whatsapp.com वेबसाइट की हेल्प से एक QR कोड को स्कैन करके भी अपने मोबाइल का व्हाट्सएप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना है web.whatsapp.com पर, जिससे कि आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी और आपको इसे फर्स्ट वाली को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर जो है आप लोग एक QR कोड को देख पाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आपके व्हाट्सएप के अंदर चले जाना है। मोबाइल में राइट साइड में आपको 3 डॉट मिलेंगे, इसमें जाकर के लिंक्ड डिवाइस में चले जाइएगा। देन इसके बाद में आप लोगों के सामने मोबाइल के अंदर एक कैमरा ओपन हो जाएगा। इस कैमरा से आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आप देख पाएंगे कि आपकी स्क्रीन रिफ्रेश होगी और आपके मोबाइल का एज इट इज़ व्हाट्सएप आप लोगों के डेस्कटॉप या लैपटॉप सिस्टम के अंदर भी ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मोबाइल में यहाँ पर गूगल क्रोम विंडोज़ मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप यहाँ पर एक ही व्हाट्सएप को एक साथ 4 जगह पर चला सकते हैं। आपको सिंपली वापस जो है लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है और यहाँ से वापस जो है आपको अगले QR कोड को स्कैन कर लेना है। दोस्तों, ये तो था पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग इस तरीके से नहीं चाहते हैं बल्कि एक इसका ऑफिशियल ऐप यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले whatsapp.com/download की इस वेबसाइट पर चले जाना है। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर देखिए जरा, मैक और विंडोज पीसी के लिए एक बटन दिया हुआ है नीचे, गेट इट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट पर रिडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपको इस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। व्हाट्सएप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली गेट के बटन पर क्लिक करना है, जिससे कि विद इन 1 मिनट आप लोगों के सामने इंस्टॉलेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं डाउनलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब लेफ्ट साइड में नीचे आप लोगों को स्टार्ट बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आप लोग रिसेंटली एडेड में व्हाट्सएप को देख पाएंगे। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन आप लोगों के सामने खुल जाएगा। ये एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, जिससे आप लोगों के सामने वापस से यहाँ पर एक QR कोड देखने के लिए मिलेगा और इसी QR कोड को दोस्तों वापस से अपने मोबाइल के लिंक्ड डिवाइस में जाकर के स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आप लोगों का व्हाट्सएप यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसे यूज करना बहुत ही आसान है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके जो है तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स, नाम और बायो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग जो हैं यहाँ पर व्हाट्सएप की स्टेटस को देखना चाहते हैं तो ये आपको स्टेटस का आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही अपने को स्टेटस भी अपलोड करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से चैटिंग करने के लिए आपको सिंपली उस चैट पर्सन के नाम के ऊपर क्लिक करना है और आप अपनी मैसेजिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर ग्रुप्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जैसे चाहें उस तरीके से आप लोग जो है दोस्तों व्हाट्सएप का यूज कर पाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, दिस इज टेक विशाल यूट्यूब चैनल, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।